क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है क्या आपका प्रत्येक कर्म आप ही के अंदर मौजूद भय और विश्वास में से किसी एक की अधिकता से नियंत्रित रहते हैं? जैसे जब हम कहते हैं चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इसमें आपके भय यानी डर की अधिकता है और विश्वास कम। यहां आपको डर है कि कहीं इस कर्म से कोई नकारात्मक परिणाम ना जन्म ले, जो आपको रोकता है उस कर्म को करने से। परंतु थोड़ा सा विश्वास यकीन दिलाता है कि हो सकता है आपको मनचाहा परिणाम शायद मिल ही जाए। ठीक इसी प्रकार हम वे भी कर्म करते हैं जिसमें विश्वास अधिक और भय कम होता है। जैसे यदि आप बाइक चलाना जानते हैं तो हर बार बाइक को चलाने पर बाइक के संतुलित रहने का विश्वास अधिक होगा और गिरने का भय कम। यानी कर्म यदि तराजू है तो उसके ये दो भाग भय और विश्वास हैं, और इन दोनों का संतुलन आपके अनुभव पर निर्भर करता है। यानी जितना किसी कर्म को करने का अनुभव अधिक होगा, उतना ही उस कर्म में विश्वास की अधिकता होगी और भय कम, और जितना अनुभव कम होगा उतना भय अधिक और विश्वास कम होगा। भय और विश्वास के ये दो भाग आपके रक्षक के रूप में हैं, जो आपके अनुभव के आधार पर अपने इन दोनों भागों में से किसी एक की अधिकता से आपके कर्मों को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं। लेकिन इन दोनों पक्षों में से किसी एक की अधिकता से किए जा रहे हमारे कर्म संतुलित कहलाएंगे? जैसे आप भले ही कितने ही विश्वास के साथ बाइक क्यों ना चलाएं, उसके गिरने का भय हमेशा मौजूद होता है। लेकिन हम कभी भी विश्वास के साथ भय और भय के साथ विश्वास को नहीं देखते, क्योंकि आपकी चेतना आपके रक्षक पर निर्भर है, और आपका रक्षक जीवन के अनुभवों पर, जिसे आधार बनाकर आपका रक्षक जीवन की किसी अवस्था में तराजू के जिस भाग को आगे करता है, आप उसी के अनुसार कर्म करते हैं। यह भूलकर कि जिस अवस्था में आप विश्वास देख रहे हैं वह गिरने का भय भी बराबर मौजूद है, और जहां डर देख रहे हैं वहां जीतने का विश्वास भी। आप कभी एक ऐसे बच्चे को ऑब्जर्व कीजिएगा जो चलना सीख रहा हो। इस समय उसे दो पैरों पर चलने का कोई भी अनुभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह हर बार गिरने पर फिर से चलने की कोशिश करता है। लेकिन इसका कारण ना तो गिरने का भय है और ना ही चलने का विश्वास, बल्कि यहां उसकी चेतना इन दोनों के बिल्कुल बीच से चलने की अवस्था को देख रही है, जहां गिरने का भय भी 50% है और चलने का विश्वास भी 50%, जिससे उसका रक्षक चलने के प्रत्येक कर्म को पूरी तरह संतुलित रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जीवन के अनुभव के आधार पर आपका रक्षक आपके कर्मों पर नियंत्रण पाने लगता है, क्योंकि आपकी चेतना उन परिणामों को नहीं देखना चाहती जिससे आपको कष्ट मिले हों या मिल सकते हैं। रक्षक का यह संतुलन संपूर्ण जीवन घटता बढ़ता ही रहता है। यानी इस पृथ्वी पर लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने रक्षक की संतुलित अवस्था कभी नहीं देखता। याद रखिए, मैंने सिर्फ ये इंसानों के बारे में कहा है। जीव जगत में प्रत्येक पशु पक्षी कीट जलचर मांसाहारी शाकाहारी नन्हे बच्चों से लेकर उम्र दराज सभी जीव अपने रक्षक की संतुलित अवस्था पर ही रहकर कर्म करते हैं। जैसे एक हिरण किसी मांसाहारी के द्वारा पीछा किए जाने पर भागता है, तो उसका यह कर्म हारने के भय और जीत के विश्वास के ठीक बीच में होगा। यानी उसका रक्षक वहां मौजूद अवस्थाओं की संपूर्ण इंफॉर्मेशन उसकी चेतना तक पहुंचाएगा, जिससे उसका कर्म इन इंफॉर्मेशन के आधार पर 100% हो सके। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह एक दर्दनाक मौत मरेगा या अगला सूरज देख पाएगा। यानी उसे परिणाम की नहीं बल्कि 100% कर्म पर यकीन होगा, जो केवल तब ही मुमकिन है जब रक्षक पूर्ण संतुलित अवस्था में हो, जैसा एक चलना सीख रहे बच्चे का होता है। उसे बस अपना कर्म 100% देना है, बिना इसकी फिक्र करे कि वह गिरेगा या चल पाएगा। यानी हम सभी को कुदरत ने एक जैसा ही बनाया है। हम सभी को अपने स्वार्थ के लिए कर्म करना है, लेकिन जो स्वार्थ जीव जगत में केवल किसी अवस्था में संभावित जीत के लिए होता है, वहीं इंसानों के लिए यह स्वार्थ एक अवस्था में निश्चित जीत को प्राप्त करने के लिए कर्म होता है। दोनों ही बातों में एक विशेष अंतर है। संभावित जीत रक्षक के दोनों पक्षों को समान लेकर चलता है, जबकि निश्चित जीत केवल एक पक्ष को। जैसे बाजार के मूल्यों से अनजान कोई ग्राहक किसी व्यापारी के पास पहुंचता है, जहां एक व्यापारी उसे बाजार के मूल्य पर सामान बेचता है, तो दूसरा व्यापारी बाजार के मूल्य के
दुगने भाव पर सामान बेचता है। अब आप इस ग्राहक को एक अवस्था मान के चलिए और व्यापारियों को अवस्था के लिए किया गया कर्म। तो यहां पहले व्यापारी का रक्षक पूर्णतया संतुलित है, यानी वो मात्र अवस्था के अनुसार 100% कर्म भविष्य की संभावित जीत के लिए कर रहा है, यानी उसे अपनी हार या जीत के रूप में ये लालच और भय नहीं कि ये ग्राहक उससे सामान लेगा या नहीं। यानी ग्राहक का उससे सामान खरीदने या ना खरीदने का प्रतिशत 50-50 होगा। यदि ग्राहक सामान लेता है तो उसकी जीत होगी, वरना हार। परंतु दूसरा व्यापारी अवस्था में केवल अपनी निश्चित जीत के लिए कर्म कर रहा है, और यह निश्चित जीत है उस अवस्था में एक अनजान ग्राहक से मोटा मुनाफा कमाने का लालच, जिससे उसका रक्षक उसके लालची अनुभव के कारण जीत पर शिफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमारी चेतना रक्षक की गुलाम है, तो वह व्यापारी इस अवस्था में केवल अपनी जीत को ही देखेगा, यानी उसके रक्षक के विश्वास पर शिफ्ट होने के कारण उसे केवल इस अवस्था में अपनी लालची जीत से संबंधित इंफॉर्मेशन ही दिखाई देंगी। लेकिन वह इस बात से अनजान होगा कि वह जितना जीत की ओर बढ़ेगा उतना ही हार का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। किसी भी अवस्था में अपनी जीत पर यकीन कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पिछली ऐसी ही अवस्थाओं में आपकी कितनी बार जीत हुई। यह नंबर जितना अधिक होगा आप उतने ही कॉन्फिडेंट अपनी जीत के लिए होंगे। यहां मान लेते हैं कि इस व्यापारी को अपनी जीत पर 60% यकीन है, यानी उसका रक्षक जीत के विश्वास की ओर 35% शिफ्ट हो चुका है। अब वह इस संपूर्ण अवस्था में मौजूद सभी इंफॉर्मेशन में से मात्र 15% इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर कर्म कर रहा है, और 85% इंफॉर्मेशन उसके लिए नॉन एग्जिस्ट रहकर उसकी हार का प्रतिशत दर्शा रही है। इसे टनल विजन भी कहते हैं, जहां आप किसी एक पॉइंट पर फोकस्ड हो जाते हैं। इस परिस्थिति में हो सकता है यह व्यापारी भले ही जीत जाए, परंतु प्रत्येक जीत के साथ उसकी हार का प्रतिशत बढ़ता ही जाएगा, और अंततः वह इतनी ऊंचाई से गिरेगा कि फिर शायद कभी उठ भी ना पाए। ऐसे कई उदाहरण आप इतिहास में देख सकते हैं जो अपने ही रक्षक के असंतुलन का शिकार हुए। और यदि वर्तमान में आप देखना चाहते हैं तो आज के अखबार में किसी भी क्राइम या किसी स्टूपिड स्टंट से जान गंवाने वाले की न्यूज को पढ़िए, जो इस असंतुलन के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है। क्रिमिनल को क्राइम करते वक्त अपने स्वार्थ से संबंधित जानकारियां ही नजर आती हैं, यानी वो नहीं देखता कि इसका परिणाम क्या होगा जो इस भाग की जानकारियों में छुपा है। एवोल्यूशन ने हमें इस पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्वार्थी चेतना का रूप दिया है। यदि एक मांसाहारी जानवर का पेट भरा है तो वह बेवजह किसी जानवर को नहीं मारेगा, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। वो हर अवस्था में अपनी जीत चाहता है, या तो भय के रूप में या विश्वास के रूप में। और इसका कारण है सोशल स्टेटस। आप हमेशा खुद को समाज की नजरों से देखते हैं, यानी आप उस कार्य को नहीं करेंगे जिससे आपकी हार होने का भय हो। यही वह कारण है कि इस संसार में इतना कंपटीशन, गुस्सा, हिंसा, शत्रुता, हीन भावना भरी हुई है, जिसका आधार धर्म, पैसा, पावर, बेरोजगारी, अकेलापन, ऊंच नीच, जात पात कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप समाज के इन आधारभूत ढांचों के एक कदम ऊपर जाते हैं तो पाएंगे प्रत्येक अवस्था, चाहे वह एक गिलास पानी की प्यास हो या संसार का सम्राट बनने का अवसर हो, उसमें किए जा रहे कर्म में 50% हारने का भय भी है और 50% जीतने का विश्वास भी। यानी यह वह संतुलित स्थान होगा जहां आपका 100% कर्म केवल संभावित जीत के लिए होगा, ना कि स्वार्थी निश्चित जीत के लिए, ठीक उस बच्चे की तरह। लेकिन जब आप फिर से सामाजिक आधारों के पीछे जाते हैं, आप निश्चित जीत के लिए स्वार्थी हो जाते हैं। जैसे यदि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएं तो वह आपकी हार में भी निश्चित जीत दिखा देगा। किसी बाबा के पास जाएं तो वह आपको उस अवस्था में मौजूद ईश्वर पर यकीन करा देगा। सारी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज को आपकी जीवन की अवस्थाओं में एज ए एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करना चाहता है, जिससे आपके कर्मों को टारगेट किया जा सके। चाहे यह कोई पॉलिटिकल स्पीच हो, किसी कंपनी का प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हो, कोई बिजनेस मॉडल हो, टेररिज्म हो, किसी बाबा का सत्संग हो या कुछ और। इस संसार के सबसे पावरफुल पर्सन से लेकर सबसे गरीब व्यक्ति तक हर कोई हमारी अवस्थाओं को प्रभावित करता है, और हम में से अधिकतर लोग अपनी अपनी नॉलेज के आधार पर उस पर कभी ना कभी यकीन करने लग ही जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें अपनी निश्चित जीत नजर आती है। लेकिन वास्तविक रूप में सामाजिक प्रभावों के कारण
निश्चित जीत के लालच में आप अपनी जीवन की किसी अवस्था में मात्र कुछ प्रतिशत इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर कर्म करते हैं, जो या तो भय से पीछे हटना होगा या विश्वास से आगे बढ़ने का। जैसे कोई दो प्रोडक्ट्स हैं, पहले प्रोडक्ट्स के पॉजिटिव रिव्यूज हैं और दूसरे के नेगेटिव रिव्यूज। आप पहले प्रोडक्ट को घर ले आते हैं और कुछ हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद महसूस करते हैं कि यह प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट का मात्र 60% पूरा कर रहा है, और तब आपको एहसास होता है कि दूसरा प्रोडक्ट इसी रिक्वायरमेंट के 85% करीब था। लेकिन जब आपने इस प्रोडक्ट को चुनने का कर्म किया, उस समय भी आपकी रिक्वायरमेंट से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन किसी यूट्यूबर, फ्रेंड्स या ऑनलाइन रिव्यूज ने आपकी अवस्था में आपके फोकस को इस प्रोडक्ट की उन इंफॉर्मेशन की ओर शिफ्ट किया जिसने आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स की निश्चित जीत दर्शाई और दूसरे प्रोडक्ट में निश्चित हार। लेकिन वास्तविक रूप में आपने इन प्रभावों के कारण मात्र 20 या 30% इंफॉर्मेशन को ही ऑब्जर्व किया और बाकी की सभी इंफॉर्मेशन चमत्कारिक रूप से नॉन एग्जिस्ट बन गई। इसे आप इस तरह समझिए कि किसी एग्जाम में आए 10 प्रश्नों में से आपने केवल उन्हीं 3 प्रश्नों को देखकर हल किया जिन्हें समाज आपको दिखाना चाहता था, जिससे ये आपको यकीन हो जाए कि यही 3 प्रश्न आपकी जीत सुनिश्चित करेंगे, जबकि वास्तविक रूप में आप अपनी 70% हार के लिए कर्म कर रहे होते हैं। यही अक्सर हम सभी के साथ जीवन में होता है। हम जितना किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अक्सर वही चीज हमें धोखा देती है, या जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं अक्सर वही सामने खड़ी होकर हमारी जीत का दरवाजा खोलती है। और इसका कारण हम सभी के रक्षक का असंतुलन है, जो आपकी किसी भी अवस्था में निश्चित जीत का लालच लिए होता है। लेकिन आप खुद से पूछिए, क्या आप हर बार जीत सकते हैं? जीत या हार प्रत्येक अवस्था के 2 पक्ष हैं, यानी प्रत्येक कर्म में आपकी जीत और हार की संभावना 50% है, और वो भी तब जब आपका कर्म 100% हो। और 100% कर्म केवल तभी मुमकिन है जब आप किसी भी अवस्था के ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर पाए, और किसी भी अवस्था का यह स्थान है उसका केंद्र, जिसका ऑब्जर्वेशन आपके रक्षक की संतुलित अवस्था है, जहां आपको जीत का सकारात्मक यकीन मिलता है, ना कि निश्चित जीत का स्वार्थी यकीन। इस समय यदि आपके पास उपलब्ध जानकारियां अवस्था में उपलब्ध जानकारियों से अधिक या बराबर हों, केवल तब ही आपकी संभावित जीत निश्चित जीत में बदल सकती है। और यदि आप हारते हैं तो इसका साफ मतलब है उस अवस्था में उपलब्ध जानकारियों की तुलना में आपके पास उपलब्ध जानकारियां कम थी, परंतु प्रत्येक हार से आपको ढेरों नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आपको अगली अवस्था में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर पाने की क्षमता देकर आपकी जीत सुनिश्चित करेगी। ठीक उस बच्चे की तरह जो हर बार गिरने पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन को खुद से जोड़ नई अवस्था के सेंटर पॉइंट के लिए 100% कर्म करता है। यानी सब कुछ इन्फॉर्मेशन का जाल है, कभी शेर जीतता है तो कभी हिरन। यानी आप परिणामों पर नियंत्रण नहीं पा सकते, परंतु उन परिणामों के केंद्र को ऑब्जर्व कर अपने कर्म को 100% जरूर कर सकते हैं, फिर चाहे आपकी जीत हो या हार। और ऐसा करने के लिए आपको कोई योगा या मेडिटेशन की जरूरत नहीं। याद रखिए, आपकी सर्वश्रेष्ठ स्वार्थी चेतना इस संसार की सर्वश्रेष्ठ चेतना भी है, जो पूरी तरह सक्षम है अपने रक्षक के सेंटर पॉइंट से किसी अवस्था के लिए कर्म करने को, जो आपको जीवन की सही समझ, मार्गदर्शन और संतोष देगी, जो कभी भी सामाजिक आधारभूत ढांचों में रहकर नहीं मिलेगी। तो अगली बार जब आप किसी अवस्था के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा डरे हों, तो 2 पल ठहर कर विचार कीजिएगा कि जो आप करने जा रहे हैं क्या वह 100% है या सामाजिक प्रभाव का प्रतिबिंब। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे WhatsApp के जरिए जुड़ सकते हैं।